और ये कश्मीर की असल तस्वीर आपको कोई और कोई चैनल नहीं दिखाएगा, कहीं आपको देखने की नहीं मिलेगी, क्योंकि उनसे एजेंडा पंचर हो जाता है उन लोगों का। इसे जी न्यूज पर देशहित में ही आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगी कि कश्मीर की असल तस्वीर ये 1-2% के चक्कर में माहौल खराब कर रहा है। रमन, ये बच्चों के रोल मॉडल भी बदल रहे हैं और धीरे धीरे अब कश्मीर भी बदल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। आज 10वें दिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के सामने याचिकाकर्ता गोपाल सिंह विशारद के वकील रंजीत कुमार ने अपनी बात रखी। रंजीत कुमार ने कोर्ट में के सामने कहा कि वो उपासक हैं और उन्हें विवादित स्थान पर पूजा करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। रंजीत कुमार ने एक मुस्लिम गवाह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश राज में विवाह केवल जुमे को ही नमाज पढ़ी जाती थी। रंजीत कुमार ने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किए जा चुके दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादित स्थल एक दिव्य स्थान है, उपासक होने की वजह से पूजा करना मेरा अधिकार है और पूजा करने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। रंजीत कुमार ने 80 साल के अब्दुल गनी की गवाही का हवाला दिया। कहा, बाबरी मस्जिद जन्मस्थान पर बनी थी, ब्रिटिश राज में मस्जिद में सिर्फ जुमे की नमाज होती थी और हिंदू भी वहां पूजा करने आते थे। रंजीत कुमार ने कहा कि मस्जिद गिरने के बाद मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ना बंद किया, लेकिन हिंदुओं ने जन्मस्थान पर पूजा जारी रखी। रंजीत कुमार ने कुछ मुसलमानों द्वारा फैजाबाद जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 1950 में दायर किए गए कुछ हलफनामों को भी रखा, जिसमें सभी ने कहा है कि विवादित जमीन पर मंदिर था और उसे मस्जिद बनाने के लिए तोड़ा गया। रंजीत कुमार ने अयोध्या मामले में दायर 20 हलफनामों की प्रति कोर्ट में रखी। इनमें कुछ हलफनामों में मुस्लिमों ने कहा कि विवादित जमीन को हिंदुओं को दिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विवादित जमीन पर मुसलमानों ने 1935 के बाद से नमाज अदा नहीं की, इसीलिए उनके लिए इस जगह का महत्व नहीं। जस्टिस बोबडे ने पूछा कि ये हलफनामे हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में कैसे रखे गए। रंजीत कुमार ने जवाब दिया कि ये हलफनामे मुकदमे में दायर किए गए थे, मुकदमे को बाद में हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि विवादित जगह पर हिंदू 100 साल से भी पहले से पूजा करते आ रहे हैं। दस्तावेज साबित करते हैं कि वहां पर पूजा लगातार होती रही है।